इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं खंडी न्यूज 24 में। मैं हूं आपके साथ सीके सिंह। यूपी सरकार के खिलाफ अमेठी में कांग्रेस का प्रदर्शन, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की गिरफ्तारी की गई निंदा। अमेठी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की गिरफ्तारी के विरोध में अमेठी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रदीप सिंघल के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक धरना कार्यालय गौरीगंज में दिया। जिला कांग्रेस के प्रवक्ता अनिल सिंह ने बताया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हठ धर्मिता के विरोध में लल्लू की गिरफ्तारी पर धरने में उपस्थित लोगों से कड़ी निंदा की। श्री सिंह ने कहा कि हमारी नेता प्रियंका वाड्रा ने राजस्थान से 1000 बसों का से प्रवासी मजदूरों को उत्तर प्रदेश लाने का एक प्रयास किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को 3 दिन पहले पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि हम 1000 बसों से उत्तर प्रदेश के गरीब मजदूर श्रमिक वंचित लोगों को लाएंगे और उत्तर प्रदेश में लाने के लिए राज्य सरकार से नियमानुसार अनुमति भी मांगी, जो सूबे के मुख्यमंत्री को नागवार लगा। अनिल सिंह ने कहा कि यूपी सरकार ने अनुमति प्रदान करने के बावजूद बसों को चलने न देने की स्थिति में नोएडा जा रहे उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को आगरा में गिरफ्तार कर लिया। असहाय गरीब श्रमिक विरोधी उत्तर प्रदेश सरकार व सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की हठ धर्मिता को दर्शाता है। अनिल सिंह ने कहा कि सांकेतिक धरने को प्रदीप सिंघल ने संबोधित करते हुए योगी सरकार से मांग की है, 500 गाड़ियों कारों की अनुमति दें तो अमेठी जिला कांग्रेस प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य तक मुफ्त में पहुंचाएगी। कांग्रेस ने सेवा व समर्पण करने का जो पाठ पढ़ाया है उसी रास्ते पर चलते हुए सदैव लोगों की सेवा करता रहूंगा। इस मौके पर कांग्रेस योगेंद्र मिश्रा, धर्मेंद्र शुक्ला, आईपी माली, सुरेश श्रीवास्तव, शत्रुघ्न सिंह, रामवरण कश्यप, अरविंद चतुर्वेदी, सुनील वर्मा, अनुज तिवारी, शशिकांत सहित तमाम कांग्रेस जनों ने हिस्सा लिया। अमेठी से अखिलेश तिवारी की खास रिपोर्ट। प्रदीप सिंघल, जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी अमेठी। हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने 1000 बस यूपी को दिया था, जो कि प्रवासी मजदूर जो पैदल यात्रा कर रहे हैं, भूखे प्यासे हैं, उनको अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए। लेकिन 2 दिन हो गए हैं, उसमें राजनीतिक शुरू हो गई है। पहले तो इन्होंने परमिशन दी और बाद में जब बसें बॉर्डर पर आकर के खड़ी हो गई तो वहां पर रोक दिया गया। हमारे अध्यक्ष माननीय अजय कुमार लल्लू जी ने और भी वहां पर कांग्रेस के साथियों ने जब वहां पर रोके हुए प्रशासन से पूछा तो उन्होंने वहां अंदर बस को आने से मना कर दिया। मैं आदरणीय योगी जी से प्रार्थना करता हूं कि कृपया करके बस को यूपी में अंदर आने दें और जो भी हमारे श्रमिक भाई हैं उनको उनके स्थान पर पहुंचाया जा सके। वो बेचारे 2-3 दिन से भूखे प्यासे पैदल चल रहे हैं, धूप का और गर्मी का टाइम है, उन्हें जितनी जल्दी से जल्दी घर पहुंचा दिया जाएगा वो मानवता के लिए हितकर होगा। और मैं कहना चाहता हूं कि हमारी अमेठी कांग्रेस को अगर 500 फोर व्हीलर की परमिशन मिलती है तो हम लोग 500 फोर व्हीलर वहां भेजें और जो भी यात्री रास्ते में पैदल चल रहे हैं उनको हम उनके घर तक पहुंचाने का अमेठी कांग्रेस काम करेगी। मुझे बहुत उम्मीद है आपसे कि उन बसों का और इन चार पहिया वाहनों का परमिशन आप बहुत ही जल्दी देंगे, जिससे कि हम लोग प्रवासी भाइयों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचा सकें।